हेलो गाइस, द फॉरवर्ड जर्नी टू बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ से हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हमने वही मृत्युंजय पैलेस में बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम आगे बद्रीनाथ धाम के लिए आए। हमारा चौपता में हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया, वॉज अ वंडरफुल व्यू फ्रॉम चौपता। और अब आगे, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, करीब 7:30 बज रहे हैं और हम पहुँचे हैं हनुमान चट्टी। ये सिद्धपीठ है, यहाँ पे हनुमान जी ने, इसे कहते हैं बूढ़े हनुमान, यहाँ पे हनुमान जी ने भीम जी को दर्शन दिए थे। भीम को जब घमंड हो गया था कि मुझमें बहुत, मुझसे ज़्यादा कोई बलशाली नहीं है, तो हनुमान जी ने अपनी पूछ फैलाई और कहा कि जरा इसको हटा के दिखाओ, और तब उन्होंने यहाँ दर्शन दिया। बहुत ही सिद्धपीठ स्थान है, यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। और अब हम आगे जाएंगे, एक फेरी देंगे हनुमान चालीसा के साथ आगे, फिर बद्रीनाथ धाम के लिए। हमारे यहाँ से आधा घंटा और लगेगा। थैंक यू, कैच यू लेटर। जीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिव लाए, बहु कपड़ाई सहस बदल तुम रोय सावे, अस कहि श्रीपद कंठ लगावे, ब्रह्मान मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, यम को वेदिक पाल कहां ते, गोविंद कहे कहां ते, जाए लाजपत दीना, मन चलीसा होय सी साखी कोड़ी सा, तुलसी दास सदा हरि चेहरा की जय। महादेवा पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय वसुर सुर रूप सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। November 8, 2020 लगभग 7:30 सुबह के बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर। आप सामने देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है। और कल रात को हम बद्रीनाथ पहुंचे थे, लगभग रात 8 बजे हमने अपना एकोमोडेशन बुक किया और अभी सुबह फ्रेश होके बात लेके हम आए हैं बद्रीनाथ बाबा का धाम में दर्शन करेंगे। तो ये है अपना बद्रीनाथ का मुख्य द्वार और हमने बहुत ही बढ़िया दर्शन किए धाम, बद्रीनाथ धाम में। और अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की ओर। नीचे आप देख सकते हैं गौरीकुंड, नीचे गौरीकुंड है, जहाँ पे अभी यहाँ पे तापमान होगा करीब 1-2 डिग्री और इस मौसम में भी गौरीकुंड में बिल्कुल गर्म नेचुरल पानी भगवान की कृपा से आता है। हम चाहें तो उसमें स्नान भी कर सकते हैं। और भीड़ देख सकते हैं आप, दर्शक अलग अलग राज्यों से आए हुए। जय बाबा की।
एक बार बद्री विशाल का जयकारा लगाएंगे भैया, एक बार जयकारा बद्री विशाल का, बोल बद्री विशाल की, बोल बद्री विशाल की जय हो। So guys, here we are at Mana, the last Indian village. Hardly 10 to 15 minutes from Badrinath. हम अभी वहाँ से बद्रीनाथ से निकल के माना यहाँ पहुँचे हैं। बस यहाँ से 2 मिनट का और रास्ता है। ये माना विलेज है, इसे लास्ट इंडियन विलेज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में फिर आगे चाइना बॉर्डर, और यहाँ पे पूरा आर्मी बेस है। दिवाली के बाद ये पूरा जो पहाड़ी इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरे बर्फ के चादर में छिप जाएंगी और ये पूरा विलेज नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ आर्मी बेस रहेंगी यहाँ पे। इंटीरियर्स ऑफ द लास्ट इंडियन विलेज माना। ये माना गांव की छोटी छोटी गलियां और यहाँ की लोकल शॉप्स की बनी हुई लोकल स्टॉल काफ़ी वार्म है, आई थिंक ठंड में ये काम आने वाली है। ये हाथ के बने हुए यहाँ के लोकलाइज, तो कभी आप आएँ तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। गुफा, कौन सी गुफा है? गणेश गुफा है सर। यहाँ से जाइए, वहाँ से आ जाइए, बोर्ड दिखेगा आपको। सो आगे भीमपुल और गणेश गुफा पढ़ते हुए, बड़ा छोटा ही खूबसूरत सा गांव है। पूर्ण हुई, पूर्ण हुई, संपूर्ण। तेरे को कौन सा ग्लेशियर की तरफ जाना है? दीप के जैसे। भाइयों, हम पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। यहाँ पे बहुत ही अच्छी गर्मा गर्म चाय और मैगी का इंतजाम है, और यहाँ होती है हमारी यात्रा पूर्ण। जय बाबा की, जय बाबा। आपका समय लगेगा।
Leading us, we are heading towards Ram Jhula. Love you, my viewers.